वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के 8 राज्यों के नए राज्यपाल के बारे में जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो आइए हम बिना किसी देर के वीडियो शुरू करेंगे, उससे पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा थावर चंद्र गहलोत, जो कि कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं, इसका आंसर होगा हरिबाबू कंभमपति, जो कि मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो गोवा के नए राज्यपाल बने हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस, जो कि झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हरियाणा का नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्ता, जो कि हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। एक और ख़ास बात यह है कि आपसे किसी भी जगह पूछा जा सकता है कि मान लीजिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।